हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि आया है यूपीएससी एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो इसमें उन्होंने बताया कि टीजीटी और पीजीटी का जो फॉर्म था उसे कैंसिल कर दिया गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए हम वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको गूगल पे टाइप करना है UPSESB। जैसे आप UPSESESB टाइप करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि UPSESEB का जो ऑफिशियल वेबसाइट है UPSESESB का, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट 2020 विज्ञप्ति कैंसिलेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट 2020 डेटेड 29 अक्टूबर 2020। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो ओपन हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एक ही परीक्षा में तदर्थ शिक्षक एवं प्रेस अभ्यर्थियों हेतु भिन्न भिन्न अंक देने की व्यवस्था में सुधार करने, जीव विज्ञान विषय को विज्ञापन में सम्मिलित करने की आवश्यकता एवं प्रतिभागियों के हित को ध्यान में रखते हुए सिविल अपील संख्या 8300/2016 संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन व अन्य में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26 अगस्त 2020 को अनुपालन के दृष्टिगत विज्ञापन संख्या 01/2020 प्रशिक्षित टीजीटी और पीजीटी की विज्ञापन दिनांक 29 अक्टूबर 2020 को एतेदार द्वारा निरस्त किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो है आप डिफरेंट डिफरेंट जो भी यहाँ पे एडॉक के टीचर थे और जो भी फ्रेश जो कैंडिडेट थे, उनको सबको क्या था कि भिन्न भिन्न यानी डिफरेंट डिफरेंट जो मार्क्स वहाँ पे जो भिन्न भिन्न जो मार्क्स है डिफरेंट डिफरेंट जो मार्क्स है उसको इन्होंने उसमें जो है व्यवस्था को सुधार करने के लिए इन्होंने क्या किया है कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया है और साथ ही साथ जीव विज्ञान विषय को विज्ञापन में सम्मिलित करने हेतु, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जीव विज्ञान विषय को जो है विज्ञापन में सम्मिलित करने की आवश्यकता थी। तो इन दोनों जो भी ये दो जो ऑप्शन थे, एक आपका हो गया कि डिफरेंट डिफरेंट एडॉक के टीचर हो या आपका जो फ्रेश कैंडिडेट हो उन्हें डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स देने की व्यवस्था, और दूसरा जो है जीव विज्ञान विषय को विज्ञापन में सम्मिलित करने की वजह से जो है, और इन सब हितों को प्रतिभागियों को इन सब हितों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या किया है कि पीजीटी और टीजीटी का जो एग्जाम है वो कैंसिल कर दिया गया है। इसके बाद इन्होंने बोला चयन बोर्ड द्वारा नए विज्ञापन की अधिसूचना अतिशीघ्र जारी की जाएगी। तो उसके बाद देखिए, इन्होंने बोला है कि अब क्या होगा, ये तो अभी कैंसिल कर दिया गया है, अब जितना जल्दी हो सकेगा इन सब जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम्स को इम्प्रोवाइज किया जाएगा। इम्प्रोवाइज करने के बाद जो इसका जो फ्रेश एप्लीकेशन निकलेगा। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिन्होंने ऑलरेडी फीस पे कर दिया है। तो जिन्होंने ऑलरेडी जो अपना फीस पे कर दिया उन्हें दोबारा फी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, उन्हें सिर्फ ऑनलाइन जो है अप्लाई करना होगा, उन्हें कोई भी फी पेमेंट दोबारा नहीं करना होगा, उन्हें सिर्फ अपना एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई करना होगा जिन्होंने अपना फी सबमिट कर दिया है, ठीक है। तो लेट्स वेट कि अब जो नया इसका एप्लीकेशन आएगा वो कब आएगा, हम लोग बस वेट कर सकते हैं। हालांकि इन्होंने बोला है कि जो इसका जो न्यू एप्लीकेशन या फ्रेश एप्लीकेशन है वो बहुत ही जल्दी और UPSESSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।